एक गोली से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वह उसका सही इस्तेमाल ही सभ्य समाज की परिकल्पना को पूर्ण कर सकता है। आदरणीय निर्णायकर, न्यायाधीश एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह मैं इसके पक्ष में बोलने जा रहा हूं। महोदय, इन कुछ दिनों से एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा काफी विचलित रहा है, पर यह कोई नई बात नहीं महोदय। इससे पहले भी वर्ष 2003 में श्री लाल कृष्ण आडवाणी एवं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी अपने विचार इस पक्ष में रखे थे और कहा था कि सरकार लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने हेतु गंभीरता से सोच रही है। यही नहीं महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संदर्भ कुछ इस प्रकार रखे हैं, वक्त कम है जितना है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। और उन्होंने यह भी कहा था महोदय कि चुनाव का मुद्दा संवेदनशील होता है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा जो लोग इसके विपरीत तर्क दे रहे हैं वो बेबुनियाद व स्वार्थ से भरे हुए हैं। तर्क जैसे अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं तो मतदाता कैसे मतदान कर पाएंगे, मतदाता कैसे निर्णय ले पाएंगे। तो मैं यहां बताना चाहूंगा महोदय, इसका जीतता जाता उदाहरण उड़ीसा है, जहां हाल ही में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए और मतदाताओं ने इतना कम विकसित ना होते हुए उड़ीसा के लोगों ने अपनी प्रबल बुद्धि का परिचय दिया है। महोदय, अब मैं सभा को बताना चाहूंगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता क्या है। महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी देश की लोकतांत्रिकता को कायम रखने के लिए हमें स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना अनिवार्य है। परंतु यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भारत की विशालता के कारण कदम कदम पे चुनाव करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। अगर हम आम चुनाव पर नजर डालें तो यह पता चलेगा कि साल दर साल कोई ना कोई राज्य हर बार चुनाव से होता आ रहा है। इससे ना सिर्फ नीतिगत व प्रशासनिक नियम विलंब होते हैं बल्कि हमारे देश के खजाने पर भी बोझ आता है। महोदय, इसीलिए नीति निर्माताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पेश किया है। मैं यहां उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस विषय में नीति आयोग, चुनाव आयोग, विधि आयोग एवं सभी दैनिक समीक्षा आयोगों ने अपने विचार इसके पक्ष में रखे हैं और कहा है कि यह समय की आवश्यकता है कि हमें इस राष्ट्र एक चुनाव की ओर देखना चाहिए। महोदय, एक तरफ जहां जानकारों का यह कहना है कि जनकल्याण जनसंख्या बढ़ने हेतु हमें इस परिकल्पना को संभव करना लागू करना असंभव होगा, वहीं दूसरी तरफ विश्लेषकों का कहना है अगर जनसंख्या बढ़ी है तो जन संसाधन भी तो बढ़े हैं, विकास की नई राहें भी तो उत्पन्न हुई है, तो इसकी कल्पना को लागू करने के लिए हमें इनकार नहीं करना चाहिए। महोदय, अब मैं सभा को बताना चाहूंगा कि इस राष्ट्र से हमें फायदे क्या होंगे। महोदय, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यही नहीं महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव एक विकासमुखी विचार है, परंतु कदम कदम पे चुनाव कराने के हेतु हमें आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ विकास के कार्य विलंब होते हैं बल्कि सीधा सीधा असर हमारे देश के आम नागरिकों पर पड़ता है। इसीलिए महोदय, अगर हमारे देश में आचार संहिता कुछ वक्त के लिए लागू रहे, जो कि तभी संभव है अगर हम लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाएं, तो तब जाके सरकार कहीं विकास के कार्य को निर्बाध पूरा कर सकेगी। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालेगा, बार बार किए गए सरकार द्वारा भारी खर्च में गिरावट आएगी। यही नहीं महोदय, एक संस्था के हिसाब से करीब 60,000 करोड़ यानी कि 6 लाख रुपए 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में प्रयोग किए गए, मगर अमेरिका जैसे देश में 6.5 लाख रुपए प्रयोग किए गए। महोदय, वाकई हमारे देश में चुनावी खर्चा औरों सशक्त देशों से बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका क्या फायदा। इसके बावजूद भी हमारे देश में 78 मिलियन लोग आज भी गरीबी रेखा के अंदर जीते हैं। महोदय, अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए तो न जाने सरकार के कितने पैसे सकते हैं, श्रम शक्ति का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं महोदय, अफसरशाह व नौकरशाह और भी सशक्त तरीकों से न्यायिक प्रोग्रेस में ध्यान दे पाएंगे। मैं अब सभा को एक राष्ट्रीय चुनाव कैसे लागू होगा इसकी प्रक्रिया बताना चाहूंगा। महोदय, चुनाव आयोग ने यह निर्णय दिया है कि अगर समय से पहले सदन भंग होने से बचने के लिए हमें पहले से ही तय तारीखों पर लोकसभा विधानसभाओं की तिथियों को ही शुरुआत व अंत करनी पड़ेगी। यही नहीं महोदय, हम उनकी तिथियों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 व हमें जनप्रतिनिधि अधिनियम तथा न्यायिक प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता होगी। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि
B.R. अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत तक बुरा ही साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। अतः संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंत तक अच्छा ही साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।